सारे किसान वीरां दा मेरे चैनल विच बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें ना हम एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हमारी भैंस गाय, आप इसको किसी भी पशु पे ट्राई कर सकते हो, भैंस गाय बकरी भेड़ किसी पे भी, ये सब पे ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये इसका रिजल्ट 100% आता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारी भैंस होती है, हमें पता नहीं होता है कि वो गब्बन रह गई है, गब्बन ठहर गई है या नहीं ठहरी। तो कई बार क्या होता है कि भैंस सच में गब्बन रुकी भी नहीं होती और वो ऐसा होता है कि वो अपने 22 दिन बाद जो हीट साइकिल पे नहीं आती है तो हम उसको गब्बन मान लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि वो सच में गब्बन नहीं रुकी होती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम 4-5 महीने बैठे रहते हैं कि हमारी भैंस 4 महीने के गब्बन आ गई है, 5 महीने की आ चुकी है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल में फिर 4-5 महीने बाद हीट में आ जाती है, क्योंकि उसका हीट साइकिल डिले हो जाता है कई बार खुराक की वजह से या कई बार किसी और चीज़ की वजह से। तो फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अगर आप ये तरीका अपनाओगे, यह तरीके का 100% रिजल्ट है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो गाय या भैंस है वो कम से कम बस 1-1.5 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए और इसका रिजल्ट है जो वो 100% आएगा। मैंने इस तरीके को इतनी बार यूज़ किया कि यह तरीका कभी फेल हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके, वैसे तरीके तो बहुत और भी ज़्यादा है भैंस को गब्बन पता करने के लिए। सबसे पहला तरीका ये होता है कि जब हम अपनी भैंस को गब्बन करवाते हैं या टीका भरवाते हैं या उसको क्रॉस करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक हफ्ता गब्बन करवाने के 5-7 दिन के बाद वो एक वाइट कलर का जाला देती है, दूध के कलर का, ठीक है। वो दूध कलर का जाला होता है जिसको हम पंजाबी में तोड़ा भी बोलते हैं। तो अगर आपकी भैंस या पशु ने वो दे दिया है तो समझ लो कि वो गब्बन रुक गई है। तो कई बार हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि दिया या नहीं दिया, क्योंकि मिस हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में और भी होता है कि जब वो गब्बन रह जाती है तो गब्बन करवाने के 5-7 दिन बाद वो डोके करने शुरू कर देती है। डोके क्या होते हैं, थनों में दूध उतार के खड़ना शुरू हो जाती है। तो वो 3-4 दिन के लिए दूध उतार के रहती है और वो फिर कम से कम 7-15 दिन तक डोके करती है गब्बन होने के बाद। तो वैसी सिचुएशन में भी हमें पता चल जाता है कि जो हमारी भैंस है वो गब्बन रुक गई है। तो अगर आपकी भैंस ने, कई पशु ये नहीं करता है कि वो डोके करे या फिर तोड़ा दे, और अगर हम मिस भी कर जाते हैं तो वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसका मेरे पास एक रामबाण इलाज है कि उससे आपको एक 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सैंपल ले लेना है यूरिन का, ठीक है। ये मेरे पास 2 यूरिन के सैंपल्स हैं अपनी भैंसों के। तो इसमें से अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सा वाला प्रेग्नेंट का है और कौन सा वाला नॉन प्रेग्नेंट का है। तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है कि मैं अभी आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगा सरसों के तेल से, ठीक है। मेरे पास सरसों का तेल भी है इधर गिलास में। तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि इसमें से कौन सा गब्बन का और कौन सा जो गब्बन नहीं है उसका है, ठीक है। आपको सरसों का तेल लेना है, जिस भैंस पे टेस्ट करना है उसका यूरिन का सैंपल ले लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल ऐड कर लेना है, ठीक है। इसमें भी मैंने कर दिया और इसमें भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब आप इसमें सरसों का तेल ऐड करोगे तो जो ये गब्बन भैंस नहीं है उसका तेल ऐसे छिट जाएगा, देख रहे हो, ड्रॉपलेट्स बन चुकी है, अलग अलग हो चुका है, सारा तेल अलग अलग तैरने लग गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो भैंस है हमारी वो गब्बन नहीं है, बट जो गब्बन है उसमें आप देख सकते हो ध्यान से कि जो तेल है वो सारा इकट्ठा हो चुका है एक जगह पे, ठीक है। वो अलग अलग नहीं हुआ है, वो ऐसे पूरा एक जगह पे इकट्ठा हो गया और पूरे पे उसने कवर कर लिया। तो मतलब कि अगर आपकी भैंस के गाय का या बकरी का जब आप टेस्ट करोगे, अगर उसके ऐसा हो जाता है, ठीक है, यूरिन में कि तेल छिट गया है, सारे ड्रॉपलेट्स बन गए, अलग अलग बूंदें दिखाई दे रही हैं, तो वो भैंस गब्बन नहीं है। और अगर सारा तेल ऐसे एक जगह पर जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी भैंस गब्बन है। ये तरीका आप अपने जानवर पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, 100% रिजल्ट देता है। और कमेंट सेक्शन में टेस्ट करने के बाद ज़रूर बताना कि आपके पास एक्यूरेसी कितनी आई है या नहीं आई है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।